है तो भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, दूर नहीं होता। आपको मालूम है मौला अली ने फरमाया है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, एक मंजिल पर 3.5 बरस मौला ने आलम इस्लाम में हुकूमत की थी, वो भी 3-3 सिविल वार्स, और उसके बाद मस्जिद कूफा में जमा करने 3.5 साल में 67 साल में गरीबी से बाहर ना निकला हिंदुस्तान, 67 साल में। अभी आप देखो का 5-6 पहले इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि दुनिया में जो गरीब पाए जाते हैं उसमें 32% खाली इस देश में। तो वो खाली इस देश में क्यों है, मैं उस बात को छोड़ता हूं, इसलिए बात कर दी है। जब मौला ने किसी से पूछा कि दुनिया में गरीब क्यों है, भूखे क्यों है, तो आपने कहा इसलिए गरीब नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क भेजने में कोई कमी की है। फरमाया कि जब मैं किसी भूखे को देखता हूं तो फौरन मुझे यह ख्याल आ जाता है कि इसकी रोटी किसी और ने खा ली है तो यह भूखा है। यह है सारा मसला। जब हमारा पैसा अंबानी खा जाते हैं, जब हमारा पैसा बजाज खा जाते हैं, जब हमारा पैसा कैपिटलिस्ट खा जाते हैं, तो गरीब और गरीब से गरीब तर होते हैं।